नमस्कार दोस्तों, सुपर सीरीज 10,000 करंट अफेयर के प्रश्न संख्या 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एसएससी बैंक की या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर अगर आपको मजबूत करना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि प्रश्न दे रखा है कि मलाला यूसुफजई पर तालिबानियों ने गोलियाँ कब चलाई, 9 सितंबर 2012 को, 9 अक्टूबर 2012 को, 12 जुलाई 2011 को और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एग्जाम में अगर ये प्रश्न बन गया तो आप क्या राइट करोगे? एक मिनट से भी कम समय में आपको इस प्रश्न का आंसर मिलने वाला है। मलाला यूसुफजई पर तालिबानियों ने गोलियां कब चलाई थी? मलाला यूसुफजई पर तालिबानियों ने जो गोलियाँ चलाई थी 9 अक्टूबर 2012 को चलाई थी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकार और सम्मान के लिए मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की बाल एवं महिला अधिकारी कार्यकर्ती मलाला यूसुफजई के जन्मदिवस दिन को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाने वाली मलाला यूसुफजई पर तालिबानियों ने बंदूकधारियों से रूप में 9 अक्टूबर 2012 को गोलियां बरसाई दी थी। वे 2014 में बाल अधिकार के लिए अपने प्रयास के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। और जिस समय उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने का खिताब रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज किया गया था। जी, उन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की स्थापना भी की है जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करता है। वे प्रसिद्ध पुस्तक आई एम मलाला नामक पुस्तक की सह लेखिका भी है और उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री ही नेम मी मलाला को वर्ष 2015 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नामित किया है। दोस्तों, इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए नए हो तो। और अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल पर अपडेट होने वाले सभी करंट अफेयर के सेक्शन को आप पढ़कर जाइए, क्योंकि ये 10,000 की सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी।